बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का थ्योरम है थ्योरम 9.3, ठीक है। और ये थ्योरम कल जो आपने थ्योरम किया 9.2 उसका कन्वर्स है। क्या है कन्वर्स थ्योरम? किसे कहते हैं? वो थ्योरम जिसमें गिवन टू प्रूव हो जाए और टू प्रूव क्या हो जाए। खैर, ये आपको बात नहीं बताई, क्योंकि जब बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है तो ये नहीं आता फलां का कन्वर्स थ्योरम है। आपको सर स्टेटमेंट आती है, क्या होती है? और कुछ नहीं आता, ठीक है। ये नहीं आता थ्योरम 9.3 सॉल्व करें, ये नहीं आता, बगैर स्टेटमेंट आती है, ठीक है। और तब मैं कहता हूँ कि आप स्टेटमेंट में सबसे पहले किसका तर्जन करना होता है? फिगर का। क्योंकि जब स्टेटमेंट में ऐसे आप बेसिक फिगर बना देंगे, आपका सारा मसला हल हो जाएगा, ठीक है। ये बोर्ड में 8 नंबर का सवाल है। कितने नंबर का सवाल है? आई एम स्टार्टिंग द थ्योरम। कहते हैं परपेंडिकुलर, पहली फिगर ये आ गई परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल, दूसरी ये आ गई ऑन अ कार्ड, तीसरी आ गई बाइसेक्ट, वो तो इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है। तो अब इसमें कितनी फिगर्स आ गई? परपेंडिकुलर भी आ गया, सेंटर ऑफ सर्कल भी आ गया, कार्ड भी आ गया। तो बेसिक फिगर कौन सी है? सर्कल। बेसिक कौन सी है भाई? क्योंकि सर्कल होगा तो उस पर कोई, उससे कोई परपेंडिकुलर, उसके सेंटर से कोई परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। सबसे पहले आप ड्रा करेंगे फिगर, क्या ड्रा करेंगे भाई? ये फिगर ड्रा होगी, ठीक है। अब उसने कहा है परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल, तो जाहिर बात है आपने सेंटर ऑफ सर्कल लेना पड़ेगा, सेंटर ऑफ सर्कल लेना पड़ेगा, उससे परपेंडिकुलर ड्रा करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल, देखिए परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, आगे क्या ये चीज किसी का परपेंडिकुलर किसने किस चीज में होता है? आगे वो कह रहा होना कार्ड, क्या कह रहा होना? याद है पहले आप कार्ड बनाएंगे, क्या बनाएंगे बोले? कार्ड। ये देखिए कार्ड बन गया ए बी। अब देखिए अब परपेंडिकुलर आपको समझ आएगा। ये देखिए परपेंडिकुलर ड्रा करो, सेंटर का नाम ओ दे दिया, सेंटर ओ से परपेंडिकुलर ड्रा किया जिसका नाम रखा ओ सी, क्या रखा भाई? ओ सी। अब आप अभी देखो गिवन, आपको पता है पहले गिवन पढ़ता हूं फिर टू प्रूव पढ़ता हूं, ठीक है। तो गिवन को देखिए, ये जो जहां तक मैंने पढ़ा ऑन अ कार्ड तक, ये सारा गिवन है, सारा क्या है? अब आप फिगर को देखें और स्टेटमेंट को पढ़ें, फिगर को देखें स्टेटमेंट, परपेंडिकुलर ओ सी, तो जो है या नहीं है? परपेंडिकुलर ओ सी फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल ओ, नहीं और क्या आपने फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल ओ ऑन अ कार्ड ए बी, ऑन अ कार्ड ए बी, ये जहां तक मैंने पढ़ा इट इज गिवन, इट इज गिवन, लिहाजा आप लिखेंगे गिवन। क्या कह रहे गिवन कहां से स्टार्ट होगा? अ सर्कल विद सेंटर ओ। मैंने कहा अब इसके बाद जितने मेजोरिटी थ्योरम्स होंगे वो इस जुमले से स्टार्ट होंगे, ये मैं फिर बार बार ना बताऊंगा आपको, ठीक है। अ सर्कल विद सेंटर ओ, ठीक है। आगे वाली बात है, आगे इंफॉर्मेशन है, ओ सी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, ए बी इज कार्ड ऑफ सर्कल, ए बी इज कार्ड, बस ए बी इज कार्ड, इतना भी काफी है, ठीक है। अ सर्कल विद सेंटर ओ, ठीक है, ओ सी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, उसने खुद कहा परपेंडिकुलर, जिसने परपेंडिकुलर किया, ठीक है। अब ओ सी परपेंडिकुलर है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब क्या है? दैट इज, अब यहां जो एंगल बनेंगे, यहां जो एंगल बनेंगे वो कितने डिग्री के होंगे? शाबाश, 90 डिग्री भी होंगे, यानी यहां जो एंगल वन और एंगल टू बन रहा है वो 90 डिग्री का है, ये भी इंफॉर्मेशन का हिस्सा है, ये भी गिवन का हिस्सा है। अब साबित क्या करना है? साबित क्या करना है? मैंने आपको क्या करना है? जोड़ना है बात को, देखें टू प्रूफ, क्या करूंगी मैंने? टू प्रूफ, ठीक है, शाबाश। देखें परपेंडिकुलर बाइसेक्टेड, परपेंडिकुलर बाइसेक्टेड, इससे मतलब क्या है? कार्ड। इससे मतलब क्या है? ये बाइसेक्ट इट ही आपका टू प्रूव है, बस देखिए बाइसेक्ट इट आपका क्या है? प्रूव है। अब बाइसेक्ट इट से क्या बना दे और कौन बाइसेक्ट कर रहा है? जोड़ेंगे आप परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कार्ड, समझो बाइसेक्ट का मतलब क्या? बोलो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कार्ड। पर वो ये कह रहा है आपको, ये गिवन कर रहा है, ये आपको गिवन ये दे रहा है, आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है, ये आपको चीज दी हुई है, ये चीज आपको नॉन है कि ओ सी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, और ये आपने साबित करना है कि ये जो परपेंडिकुलर जो आपने ड्रा किया है कार्ड पर, किस पर? वो कार्ड को बाइसेक्ट कर रहा है, क्या कर रहा है भाई? बाइसेक्ट का मतलब क्या है? इक्वल हाफ में कट कर रहा है, इक्वल हाफ में, इक्वल हाफ में जब कट करेगा तो ये दोनों साइड क्या हो जाएंगी? शाबाश शाबाश, सही बोल रहे, बोले आपने प्रूव करना है ए सी इज इक्वल टू सी बी, शाबाश। ये यू हैव टू प्रूव दिस, You have to prove? Yes. मैंने आपको बार बार कहा, फिर कह रहा हूं कि आपके जितने भी सर्कल के थ्योरम प्रूव आ रहे होंगे
ठीक है, जो भी होंगे उसमें आप क्या करेंगे, दो ट्राइंगल लाएंगे। क्या लाएंगे भाई? ठीक है, हम दो ट्राइंगल लाने का मकसद क्या है कि जब दो ट्राइंगल आ जाएंगी हम उनको काउंट साबित कर लेंगे, जब वो काउंट साबित हो जाएगी तो उनकी कॉन्ग्रुएंसी के थ्रू हम अपने रिक्वायर्ड रिजल्ट तक आएंगे। इसलिए मैं करने जा रहा हूं कंस्ट्रक्शन ज्वाइन, शाबाश, ए टू एंड बी, शाबाश। देखें अब आप साथ साथ सीखते जा रहे हैं, ये दैट इज वेरी गुड। देखें अब आपने ओ को क्या किया भाई, जी देखिए तो ट्राइंगल बनी नहीं बनी, समझे ट्राइंगल आमतौर पर हमेशा याद रखिएगा, ये चूंकि राइट एंगल ट्राइंगल है, हमेशा राइट एंगल को ध्यान रखना। मैंने आपको पहले भी कहा राइट एंगल को ऐसे ना भी रखे, मसला नहीं है। एक बंदा ओ ए सी लिखे तब भी ठीक है, एक बंदा ओ सी ए लिखे वो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। और देखे कोई भी चीज की जो पहचान है सिंबल के साथ होती है, किसके साथ होती है, मैं सिर्फ ओ सी ए लिख लूं कोई मतलब नहीं है, सिर्फ ओ सी ए लिख लूं कोई मतलब नहीं है, ये क्या है, कुछ नहीं, ये तो तीन वर्ड्स है। लेकिन इसी के विषय में ट्राइंगल बना दूं तो ये ट्राइंगल है, ये क्या है भाई, इसका मतलब ये ट्राइंगल है, इसके पीछे सिंबल मैं ये लगा दूं इसका तो ये एंगल बन जाएगा, इसके ऊपर लाइन लगा दे तो ये लाइन कहलाएगी, इसी के ऊपर आर्क बना दे तो ये आर्क कहलाएगी, ये क्या कहलाएगी। तो पता चला कोई भी जो वर्डिंग है, कोई भी अल्फाबेट्स हैं, उनकी पहचान उनके सिंबल से होगी, उनकी पहचान उनके सिंबल से होगी। लिहाजा सिंबल ड्रा करना मस्त है, आप बच्चे अक्सर थ्यूम करके आते हैं कि मेरा साथ ठीक हुआ था, मार्क्स क्यों आए, मतलब कि आप सिंबल ड्रा ही नहीं कर रहे होते और सिंबल के बगैर तो चीज की पहचान नहीं होती। लिहाजा आपको चाहिए कि आप सिंबल ड्रा करें, कभी कभी हम ए बी पे सिंबल ड्रा नहीं करते, जैसे याद में लिखिए, करने चाहिए, क्या करना भाई, करने चाहिए, क्योंकि ए सी सी बी, ये आपने जब बोर्ड में क्वेश्चन करेंगे आप इन चीजों को, इस चीज का ख्याल करेंगे, समझा दी बात ना। तो ये देखिए इस ना तो एक तो बहुत ज्यादा ख्याल करना है, ट्राइंगल ओ सी ए हैज करस्पॉन्डेंसी विद, वही कलर झोला, ट्राइंगल ओ सी बी, ट्राइंगल ओ सी वो लिखेंगे करस्पॉन्डिंग, सिंबल डाल के आगे आई एन जी, आगे ट्राइंगल, आगे एस, करस्पॉन्डिंग ट्राइंगल, करस्पॉन्डिंग। अब वही बात है, अब इसमें आप कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करें, कॉन्ग्रुएंसी की कितनी चीजों का होना जरूरी है, कॉन्ग्रुएंट तीन का, तीन चीजें काउंट होना जरूरी है, तीन कंपोनेंट्स का काउंट होना जरूरी है। तो देखते भाई, सबसे पहले तो हम वही बात देखेंगे, ओ ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ओ बी, मैंने लिखा जी ओ ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ओ बी, तो इसकी वजह क्या बताएं भाई, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, बोलो भाई, क्योंकि ये एक ही सर्कल के रेडियाई हैं और एक ही सर्कल के तमाम रेडियाई आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ठीक है भाई, पहली बात। दूसरी बात, अब बहुत ही बड़ा क्लियर है, उसमें कोई शक ही नहीं है, एंगल वन काउंट एंगल टू के, बताओ भाई क्यों, शाबाश, बोथ आर राइट, बोथ आर दोनों राइट है, दोनों 90 के, इसलिए काउंट है, बोथ आर राइट। लेकिन ये आपको पता भी है साथ कैसे, तो चला आपको इधर ब्रैकेट लगा के लिखेंगे गिवन, क्या लिखेंगे बेटा, गिवन, ये बात मुझे गिवन सर पे चली कि 1 2 काउंट 90 के, ये गिवन में हमने लिखा था, अगर आप ब्रैकेट में गिवन जरूर लिखिएगा, गिवन जरूर, ठीक है। दो बातें हो गई, तीसरी बात आप सबको नजर आ रही होगी, क्या भाई बोलो, शाबाश, ओ सी काउंट टू, रीजन क्या है, कॉमन, क्या हो गया भाई, तीन से काउंट हो गई है, तीन से काउंट हो गई है, लिहाजा आपके पास ट्राइंगल ओ सी ए कॉन्ग्रूट हो जाएगी ट्राइंगल ओ सी बी के, साइड एंगल साइड, शाबाश, क्योंकि दो साइड इस्तेमाल हुई है, एक एंगल इस्तेमाल हुआ है, तो जब दो साइड होगी तो जो अगर आगे साइड एंगल साइड, क्योंकि इसमें आपने याद रखिएगा आपने एक हाइपोटेन्यूज और एक 90 डिग्री का एंगल इस्तेमाल किया है, इसलिए इसको एच एल भी कहते हैं, क्या कहते हैं, एच एल भी कहते हैं, एच एस भी कहते हैं, क्या कहते हैं, ठीक है। इसलिए वो बंदा यहां एच एस लिख ले तब भी उसको मार्क्स मिल जाएंगे, एच एल लिख ले तब भी मिक्स लेंगे, एक बंदे का एस ए एस तो उसको भी मार्क्स मिल जाएंगे, तीनों में से आप जो लिखते लिखे, ठीक है, तीनों में उसको ये एक लिख लें, ज्यादा बेहतर है कि एच एस या एच एल लिखे। लेकिन किसी बंदे को ये बात भूल गई है वो एस एस लिख ले, क्या लिख ले भाई, तब भी ठीक है, तब भी ठीक है, ठीक है ना, क्योंकि इधर ज्यादा काउंट होगा दो साइड एक, क्योंकि पर्सनल तो सर्कल गया ना, तो फोकस पॉइंट पे करना है। अब ये काउंट होगा भाई, ये काउंट होगी ट्राइंगल, ये ट्राइंगल काउंट होगी, तो ट्राइंगल काउंट होगी तो हर चीज क्या हो जाएगी, हर चीज काउंट हो जाएगी, हर चीज, तो लिहाजा आपके पास पक्की बात है ए सी काउंट होगा किसके, सी बी के, ए सी काउंट हो जाएगा, क्यों, वजह वही लिखेंगे, करस्पॉन्डिंग, शाबाश, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ, शाबाश, साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, क्या कहा था, टू प्रूव इज द लास्ट स्टेप, टू प्रूव इज द, जो बात हमने साबित करनी थी, जो बात हमने साबित कर दी, वो बात हमने साबित कर दी, लिहाजा थ्योरम खत्म, थ्योरम।